देखिए मायरा का मुंह ऐसे है जैसे बतख होती है। पता नहीं कितनी बीमारी है, मैं तो शर्म के मारे बता भी नहीं सकता। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं उड़ के पाकिस्तान पहुंच जाऊं। इमरान खान की गवर्नमेंट के बारे में सोचता हूं कि अब इसके कितने दिन बाकी हैं। ये भागोड़े भागे, इन्होंने कभी वापस नहीं आना, क्योंकि चोर है ना, इनकी चोरियां पकड़ी जा रही है, इसलिए मुल्क में नहीं आ रही है। एवरीवन, दिस इज मायरा खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ हूँ जिनका हमें बड़ा ही इंतज़ार है कि वो कब आएंगे, कहाँ से आएंगे, और वो आज मेरे साथ मौजूद हैं, मियां नवाज शरीफ साहब। हेलो, वेलकम। जी मियां साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप तो मुझे बड़े हट्टे कट्टे और सेहतमंद लग रहे हैं माशाल्लाह से। आप तो बड़े बीमार होके गए थे लंदन। ये आपको मेरा ख्याल है किसी ने गलत बता दिया है। अच्छा, मैं तो पहले भी बीमार ही था और अब भी बीमार हूँ। अच्छा, तो लेकिन देखने में तो जाहिर है हर एक आदमी बीमार नहीं लगता, लेकिन मैं अंदर से बीमार हूँ। मुझे पता नहीं कितनी बीमारी है, मैं तो शर्म के मारे बता भी नहीं सकता। तो मियां साहब, लंदन में कैसे हालात हैं आजकल? जी हालात बहुत खराब हैं। ना कोई इज्जत है, ना कोई खाने पीने का मजा है, तो आबो हवा भी उधर इतनी अच्छी नहीं है। तो बस मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं उड़ के पाकिस्तान पहुंच जाऊं। अच्छा, तो आप दुआ फरमाएं, अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाए, आवाम भी मुझसे तावन करें, और जितनी जल्द हो सके हमारी खान साहब से, न्याजी साहब से जान छूट जाए। अच्छा जी मियां साहब, ये बताइए कि आजकल आपकी मसरूफियत क्या है? मसरूफियत दो ही है जी। क्या? एक तो ये मैं इमरान खान की गवर्नमेंट के बारे में सोचता हूँ कि अब इसके कितने दिन बाकी हैं। अच्छा। एक एक दिन, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि एक एक सेकंड मैं गिन गिन के निकाल रहा हूँ। वो जाहिर है घड़ी के साथ साथ मेरा दिल भी जो ना बड़ी तेजी के साथ धड़क रहा है, और ऐसे महसूस हो रहा है जैसे पता नहीं दिल के लिए दिल नहीं है अंदर, कुछ किसी ने ना टाइम बम फिट कर दिया। आप तो शायराना तबीयत है, आप जूते शुकते भी मैंने सुना कर लेते। जाहिर मौका मिलने की बात है। हाँ। जब मौका मिलेगा तो कर भी लेंगे। आज आपको मौका मिल गया मेरे चैनल पे, कोई तो जुगत करे जरा। देखिए मायरा का मुंह ऐसे है जैसे बतख होती है, और बतख भी एक पाँव वाली जो है ना, वो एक पाँव के साथ जो है ना चल रही है। अच्छा, बात ठीक है, आपकी जुगते ना, आप भी माशाल्लाह माठी हैं। क्या आपने अपने साथ ये सिक्योरिटी को रखी, इतनी बड़ी कुछ छोटी सी रखनी चाहिए, इतनी मोटी सिक्योरिटी आपने साथ रखी हुई है? जाहिर है अल्लाह पाक ने जो पैसे दिए हुए हैं या जो हमारे पास है वसाइल है, तो उनको हमने खर्च भी तो करना है ना, मोटे वसाइल है। और देखिए जी, मैं आपको बात बताता हूँ, बात ये है कि हमें सिक्योरिटी के लिए के पास भेज दिया। अब सिक्योरिटी कम करवाते हमें कहते हैं कि मुझे शुगर की दवाई पिला दो। अच्छा, मैं सिक्योरिटी वाला के वार्ड बॉय हूँ। नहीं तो मुझे ये बताएं कि आप तो पाकिस्तानी पुलिस हैं, तो आप लंदन में भी इनके साथ जाते हैं? वो खास स्क्वाड इनका ही। ओए ओए ओए, इसके लिए। तो मियां साहब आपको कुछ ये जैसे खाते पाए शाये खाबे शाबे आपको खिलाते हैं कुछ? नहीं, मुझे कहते ला कर दें। अच्छा। मैं पूरी लंदन में घूमा, तो मुश्किल से आकर ना मुझे ग्वाल मंडी से मिले। लंदन से आप ग्वाल मंडी आए? इन्होंने भेजा मुझे। हाँ, इन्होंने कहा मेरे लिए खाते पावे ले गया। तो मैं लेकर के मैंने खाया नहीं, फिर मुझे खाने पड़े कुछ। अच्छा जी मियां साहब, आपको गाने का भी बड़ा शौक है। जी जाहिर है। कोई प्यारा सा गाना तो अता करें सर। जी जरूर जरूर, इंशाल्लाह प्लीज। हम तो हैं परदेश, वहां भी चांद तो निकलता होगा। मियां साहब, आपको तो लिरिक्स भी नहीं आते, और आपकी आवाज सुन के ना आप प्लीज रहने दे, मुझे लगता है आप वाकई बीमार हैं। मियां साहब, जिस तरह तुम्हारा मुंह है, तुसी गाया करो परदेसी ढोला शल जी में ढोला। अरे वाह, ढोले तो जीते ही रहते हैं जी। अच्छा, आप इमरान खान साहब को कह रहे हैं परदेसी ढोला? वो दो साल मेरे लिए तो दो सौ साल है, मेरे लिए तो एक एक मिनट कीमती है। अच्छा, या एक एक सेकंड कीमती है। हाँ। तो मैं तो बड़ा बेताब हूँ अवाम की खिदमत करने के लिए। कुर्बानी से पहले आपके दिल पर छुरियां चल चुकी हैं?
जाहिर रोज ही चलती है। अच्छा, आपके बेटे माशाल्लाह से दोनों इश्तिहारी हैं। जाहिर मैं बड़ी खुशी महसूस करता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैं, ये मेरे लिए फखर की बात है कि टीवी पे फिल्मों में दोनों बेटे इश्तिहारी हैं। अच्छा। हमने तो आज तक कोई जुर्म किया ही नहीं। जुर्म किया है तो साबित करें, जो है ना वो बताएं, हमें दिखाएं, साबित करें, जो है ना। अच्छा, ये तो इल्जाम ही है, जितने मर्जी आप लगाते रहें, जो है ना। अच्छा। और ये लगाते रहेंगे। नहीं तो मैंने सुना जब आप जेल में थे, आपके भाई साहब भी जेल में थे, तो सुना था कैमरों में जो है वो टूटियों में कैमरा लगा हुआ था। जाहर ये आपके आपको पता है, जो है ना आपके सामने ये सब ये हमारा जी आप समझ लेंगे यहाँ चीज में कैमरा। हाँ। यानी कि टूटी खुलते पानी की जगह मूवीज आते होंगे। जाहर है यार, आप तो पुलिस में हैं, आपको तो आपकी तो जेल है, आपको तो पता होना चाहिए। नहीं, हमारी वो टूटियों में पानी ही आता है, कैमरे नहीं लगे। हाँ जी, मुझे बताया। अच्छा, ये तो होगा ना मियाँ साहब, आपकी ड्यूटी कहीं और लगी, किसी और सियासतदान के साथ? हाँ जी, बिल्कुल लगी थी। किसके साथ? शेख रशीद का लगी थी। अच्छा। लाल हवेली के बाद जब उन पे हमला किया था, मोटरसाइकिल भागे नहीं थे, उनके मोटरसाइकिल को धक्का मैंने दिया था, चल नहीं रहा था उनसे। आप कैसे पुलिस अफसर हैं, आप उनका साथ दे रहे हैं? मैं खादिम हूँ। अच्छा। पुलिस का है फर्ज मदद आपकी। अच्छा। करे दिल से खिदमत आप भी उनकी। अरे वाह वाह, अरे यहाँ पे आ रहा है, ज्वाइन किया है श्री मजारी साहिबा ने, श्री और पटारी साहिबा ने किया है। मैं हमेशा कलरफुल लगती हूँ, बस लोग जेलस होते हैं मुझसे। ये देखिए, सबसे बड़ा जेलस तो ये होता है बंदा। कौन? ये देखिए बैठे हैं जिनके बाल भी नहीं। मुझे तो ये मजारी साहब इतनी अच्छी लगती हैं, तो मेरा दिल करता है कि मैं पीटीआई में आ जाऊं। खान साहब, मैंने पार्टी हाईजैक कर ली नहीं है आपकी? अच्छा, आप बताए ना कि आप इनके बारे में क्या कहेंगे कि ये इन्होंने मुल्क छोड़ दिया है? ये भागोड़े हैं, भाग गए, इन्होंने कभी वापस नहीं आना, क्योंकि चोर है ना, इनकी चोरियां पकड़ी जा रही है, इसलिए मुल्क में नहीं आ रही है। तो मुझे ये बताए, कौमी असेंबली में आजकल जो आप लोग गालियां छालियां दे रहे हैं, ये क्या सिखा रहे हैं आप कौम? ये हम सिखा नहीं रहे, असल में हमारे पंजाब का कल्चर यही है। मैं बात बताता हूँ, इनके दौरे हुकूमत में बच्चों को किताबें मिलनी चाहिए। हाँ। ये कौमी सेने किताबें एक दूसरे को मारते हैं। हम इल्म तकसीम कर रहे हैं किताबों के जरिए, ये ले आप भी पढ़े, आप भी पढ़े। एक लेडीज को बाल पॉइंट फेंक के मारो, आंख में लगा, चलिए इतनी बड़ी पट्टी भागी टीवी में। वाकई बहुत ऐसे ये दुखी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग सीखते हैं। सबसे बड़ी बात है, इंटरनेशनली लोग जब देखते हैं तो वो कहते हैं ये क्या कर रहे हैं आप लोगों को, थोड़ा सा एक तो वैसे कोरोना की वजह से स्कूल बंद है और आप किताबें जो असेंबली में जाया कर रहे हैं। नहीं, हम जाया नहीं कर रहे, हमने तो बजट की कापियां दी थी ने के पढ़ लें, बस ये हमारा बजट देख के सड़ पुज गए उसी टाइम। आप इनके बजट से मुतमईन हैं जिन्होंने बजट अनाउंस किया? हरगिज नहीं। अच्छा, ये को बजट है? हाँ। आप मुझे ये बताएं कि अवाम के लिए इन्होंने क्या किया है? हाँ। बजट में कौन सा गेट दिया है? वो तो पहले ही पक्की थी। ये तो उन्होंने घरेलू बातें शुरू कर दी है फ्रेंड्स, बहुत जो है ना, मियां साहब जो गुस्से में आ गए और शरीफ पटारी साहिबा भी बहुत गुस्से में आ गई है। मुझे लगता है ये एक दूसरे को जो है ना यहाँ पे कुछ धंधा मुश्ती शुरू कर देंगे। तो आपसे इजाजत लेते हैं, अल्लाह हाफिज़ अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।